हम इस वजह से आए हैं कि हमारे पैसे लेके भग गए और हमसे आई हुई है वो डोनर पेशेंट लेके आई थी और हमारे साथ धोखाधड़ी हुआ है और पिकअप करवाया है इसने हमारे बेहोश कर के हमारे साथ ऐसा काम करवाया है इसने। तो डॉक्टर क्या कह रहा है, डॉक्टर साहब से बातचीत की? तो डॉक्टर साहब से बातचीत की तो हम तुमको नहीं जानते, हम उसी एजेंट को जानते हैं, हम तुमको नहीं जानते। जब पिकअप किया, जब इंजेक्शन लगे 12 दिन से 10-12 दिन से तो तब भी सब पहचान रहा है, सोनोग्राफी कर रहा है, हमारा आधार कार्ड लिया है तब तो पहचान रहा है, अब मना कर रहा है। तो क्या कोई लिखा पढ़ी कराई आपको? कोई लिखा पढ़ी नहीं करवाई हमसे, कोई साइन वाइन नहीं दिए कुछ। कितनी महिलाएं आई थी आपको यहाँ पे? 22 महिला आई थी। कितनी वापिस चली गई हैं? वापिस सारी चली गई है, 5 महिला बची थी, 2 को रिजेक्ट कर दिया, 3 बची है। हम सर ये लोग क्या है, इंदिरा IVF के नाम से आए थे, इनको एजेंट लेके आई थी, इनको बोला गया था कि मैं आपको 35,000 रुपये दूंगी और डोनर पेशेंट के हिसाब से, और इनका 12 दिन तक इलाज चला था और शनिवार के दिन इनका पिकअप हुआ था और उसके बाद में बेहोश हालत में थी और जो एजेंट लेके आई थी वो डायरेक्ट ही पेमेंट 1,14,500 रुपये उठाए और लेके दिल्ली भाग गई है। डॉक्टर साहब ने बात की यहाँ पे? डॉक्टर साहब ने बोला है कि हम आपको जानते भी नहीं, हम तो एजेंट को जानते हैं। हमने बोला है कि एजेंट को आप यहाँ बुला लो, अब एजेंट से पैसा लेके चले जाएंगे, कोई बेसबाजी नहीं करना चाहते हम तो, मगर उन्होंने कोई रिस्क नहीं ली इसलिए हमने ये कदम उठाया है।